गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी में कक्षा 3 के लिए पार्ट 1 कक्कू करेंगे, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से कक्कू पार्ट का काम कर रहे हैं और अभी हम अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 10 और 11 करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम अभ्यास पुस्तिका में ही कक्कू का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभी भी हम वही करेंगे। उसमें कुछ एक्टिविटी हैं वह करेंगे। उसके लिए आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 10 और 11 निकालिए, पेंसिल रबर लेकर साथ में। मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखकर समझ के उसको लिखोगे, ठीक है बेटा? तो पेज नंबर 10 ये निकल गया है, ये देखिए बेटा, देखिए। एक से अनेक करो, एक से अनेक करो क्या होता है? जैसे एक वचन बहुवचन, ऐसे एक अनेक, जैसे जैसे एक बच्चा अनेक बच्चे, ऐसे ही ये हैं। तो हम ये करेंगे, आप ध्यान से देखो। तो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, बोली बोलियां, बात बातें, टोली टोलियां, चोरी चोरियां। बेटा, आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। देखो आप, जैसे बोली यहाँ पर लिखा हुआ है, बोली यहाँ पर आखिर में बड़ी मात्रा लिखी हुई है, ल पर बड़ी ई की मात्रा। जब भी एक से अनेक, एक को अनेक करना होता है, तो देखो बोली लिखते हुए ल में हमने छोटी ई की मात्रा कर दी, ठीक है? हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, बोली बोलियाँ लिखते वक्त मात्रा को बड़ी ई से छोटी ई में बदल देते हैं, तभी जाके वह सही होता है। कुछ बच्चे करते हैं, ल पर बड़ी मात्रा ही रहने देते हैं, बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा उसको करना है और उसको एक से अनेक में बदलना है। बात का हो गया बातें, ठीक है बेटा? इधर भी देखिए, टोली का टोलियाँ। देखो, मैंने बताया था ना, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलना है, ल में छोटी ई की मात्रा, और यहाँ टोलियाँ। चोरी चोरियाँ, र में छोटी की मात्रा कर देना, ठीक है? आगे से आप ध्यान रखना, जब भी वचन बदलो आए, एक से अनेक में बदलना आए, तो आपको यही ध्यान रखते हुए करना है कि बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलना है, ठीक है बेटा? अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, मूल्य आधारित प्रश्न। बेटा, ये इसमें दिया हुआ है मूल्य आधारित प्रश्न। तो मूल्य आधारित प्रश्न क्या होता है बेटा? जिनमें हमें नैतिक मूल्य की जानकारी होती है, जिन प्रश्नों में हमें नैतिक मूल्यों की जानकारी होती है, जैसे मोरल वैल्यू, जिन प्रश्नों से हमें कुछ अच्छी बातें जानने को मिलती है, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए गलत है। तो इसमें क्या पूछा गया है बेटा? देखो, क्वेश्चन पूछा गया है ना, देखो, क्या किसी को चिढ़ाना अच्छी बात है? सोचकर लिखो, या आपको खुद अपने मन से लिखना, विचार लिखने हैं कि ये क्या। देखो, इस कक्कू वाले कविता में उस बच्चे को सब चिढ़ाते हैं, तो इसमें यही पूछा गया कि क्या किसी को चिढ़ाना अच्छी है। आप सोचकर लिखना, ठीक है बेटा, कि चिढ़ाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप इसमें लिखोगे कि किसी को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है। किसी को अगर बुरा लगता है किसी चीज़ से, तो उस चीज़ के लिए किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा? तो आगे चलते हैं, रचनात्मक लेखन। तो बेटा, ये रचनात्मक लेखन आपको ये दिया हुआ है इसमें, ये देखो, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन क्या होता है बेटा? रचनात्मक लेखन, जैसे आपको कोई टॉपिक दिया गया है कि जैसे आपको माँ शब्द के ऊपर 5 लाइनें आपको लिखनी है, तो वो अपने भावों को आप किस तरीके से व्यक्त करोगे, कितने अच्छे से लिखोगे। कोई बच्चा अच्छी सी फोटो बनाएगा माँ की, कोई उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। तो वही चीज़ है कि अपने चीज़ों को कैसे क्रिएटिविटी कैसे दिखाओगे आप। तो ऐसे ही अपने भावों को अच्छे से व्यक्त करोगे। तो आगे क्या है इसमें, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्द संकेतों की सहायता से मेरा परिचय शीर्षक पर 7-8 पंक्तियां लिखो, ठीक है? तो इसमें आपको मेरा परिचय पर 7-8 पंक्तियां लिखनी है। उसके लिए आपको ये दिखाया गया है, आपको हेल्प के लिए यहाँ दिया गया है कि मेरा परिचय में आपको क्या क्या लिखना होता है। तो आप अपने तरीके से आप इसमें से भी हेल्प ले सकते हो और अपना भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना सुंदर लिखोगे, ये ही रचनात्मक लेखन है कि आप उसको कितने अच्छे से व्यक्त करोगे, कितने अच्छे से लिखोगे, ठीक है? सबसे पहले तो मेरा परिचय में आपको अपना, देखो बताया गया है, ये संचिता है और ये संचित है। इसने लिखा हुआ है कि मेरा नाम संचिता है ना?
इसमें देखो ये लिखा गया है मैं कितने साल का हूँ, फिर ये लिखोगे कि मैं कितने साल का हूँ, मेरी माता का नाम क्या है, दिखाएगा ना मैं कितने साल का हूँ, मेरी माता का नाम क्या है, लड़का हो या लड़की जो भी लिख रहा है वो यही लिखेगा ना कि मैं इतने साल का हूँ, मेरी माता जी का नाम श्रीमती कमला देवी है, मेरे पिताजी का नाम श्री हरमिंदर सिंह है, ठीक है बेटा पूरा नाम लिखोगे, फिर मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, आप पूरा चीज़ लिखोगे, देखो मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, आप अपने अपने मेरा परिचय को कितने सुंदर तरीके से लिखोगे, ठीक है आपको इस इसमें से हेल्प लेके सारा आपको 7 से 8 लाइनें लिखनी हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, माता पिता, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं शाम को खेलना पसंद करता हूँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे भाई का नाम सीता है, मेरे भाई का नाम मदन है, मेरी बहन का नाम सीता है, मेरे विद्यालय, मुझे विद्यालय समय पर जाना बहुत अच्छा लगता है, मैं विद्यालय रोज जाता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप अपना मेरा परिचय कितने सुंदर तरीके से लिखोगे, आपको इसमें से 7 से 8 लाइनें हेल्प के लिए ले लेना और आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना आपको नेक्स्ट पेज पे मैं बताती हूँ। ये देखिए आपको 7 लाइनें आपके पेज में आएगी तो आप 7 लाइनें लिखना, आपके पेज में 8 लाइनें आएगी तो आप 8 लाइनें लिखना, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से लिखना सुंदर सुंदर बिना मात्राओं की मिस्टेक के। तो बेटा और ये देखिए आप यहाँ पर आपको पढ़ो सोचो और समझो, यहाँ पर ये क्या बनी हुई है कोयल, आपको ये वाला लेसन किस चीज़ का काम कर रहे हो आप, कक्कू, कक्कू की कविता का पूरा ये लेसन का काम कर रहे हो, तो कक्कू कौन था, एक लड़का था जिसका कंपेयर किससे किया गया है कोयल से, तो इसमें कोयल के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं तो हम उसको पढ़ेंगे। ये देखिए कोयल अपने अंडे सदैव दूसरे पक्षी विशेष कर कौवे के घोंसले में रख देती है, कोयल जो होती है अपने अंडे को कहाँ रख देती है, कौवे के घोंसले में रख देती है, जब वे बड़े हो जाते हैं तब वे अपने आप उड़ जाते हैं, और ये क्या है नर कोयल, कोयल ही गाता है, जो नर कोयल होता है वही गाता है, मादा कोयल जो होती है वह गाना नहीं गाती। तीसरा है कोयल स्वभाव में संकोची होती है, कोयल का स्वभाव मतलब कोयल का नेचर कैसा होता है, वह शर्मिला होता है, झिझक झिझक होती है उसको, मतलब संकोच करती है, संकोची स्वभाव की वह होती है, उस वह शर्मिलापन दिखाती है, कौन कोयल, ठीक है। चौथा क्या है कोयल कुक्कू कुल का सुप्रसिद्ध पक्षी है, बेटा जो कोयल है कुक्कू कुल का मतलब सारे पक्षियों में सुप्रसिद्ध पक्षी कौन है कोयल, सारे पक्षियों में सबसे सुप्रसिद्ध पक्षी कौन है कोयल, ठीक है बेटा। तो ये 4 लाइनें कोयल के बारे में हैं, आपको कोयल के बारे में पूरा अच्छे से पता चल गया, आपने पूरा लेसन अच्छे से किया, आपको ये अच्छे से पढ़ना है और इसको आप इस वाले को भी पढ़ना, मेरा परिचय अच्छे से करना, और जो आपको जितना भी चीज़ें कराई हैं आप ध्यान से करना, इसमें कई चीज़ें आपको कराई गई है। ये देखिए आपको यहाँ पर देखो रचनात्मक लेखन क्या होता है ये बताया गया, मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं, कुछ ज्ञान आधारित प्रश्न होते हैं, ज्ञान आधारित प्रश्न क्या होते हैं, ज्ञान आधारित प्रश्न होते हैं जिन शब्दों से हमारा ज्ञान बढ़ता है, जिन प्रश्नों से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें शब्दों की जानकारी होती, तो वो क्या है हमारा ज्ञान आधारित प्रश्न, ये मूल्य आधारित नेकी नैतिक मूल्य के ऊपर आधारित प्रश्न होते हैं, और इसमें आप अपने भावों को कैसे व्यक्त करते हैं वो होता है, आप अच्छे से ये सारा काम सुंदर सुंदर अपनी इसी इसी अभ्यास पुस्तिका में करोगे बेटा, और अच्छे से करना, ठीक है बेटा।